हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग मासा और लासा के कंसेप्ट पर मिश्रित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग फार्मूला, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यस, तो इसका फार्मूला है दोनों संख्याओं का मासा। तो हम लोग यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं का मासा गुणे दोनों संख्याओं का लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यस। तो मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इसमें चार हैं, कोई तीन आपको ज्ञात रहेगा, मासा लासा ज्ञात रहेगा, पहली संख्या ज्ञात रहेगा तो दूसरी संख्या पूछेगा, या मासा लासा ज्ञात रहेगा दूसरी संख्या ज्ञात रहेगा पहली संख्या पूछेगा। हो सकता है पहली दूसरी संख्या मालूम रहे, मासा ज्ञात रहे, लासा पूछ ले। हो सकता है लासा पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात रहे, मासा पूछ ले। तो चार में से कोई एक अज्ञात रहेगा जिसको हमें ज्ञात करना रहेगा। तो कभी कभी दिया रहता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का एक में गुणा करके दे देगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का एक में गुणा करके दे ही देगा, उसके बाद कहेगा मासा ज्ञात कीजिए। तो आपको गुणा ही नहीं करना पड़ेगा और अच्छा रहेगा। तो मासा ज्ञात कीजिए तो लासा वाली वैल्यू से भाग दे देंगे। हाँ, कभी कभी मासा और लासा का एक में गुणा करके दे सकता है, एक में गुणा करके दे सकता है, कोई एक संख्या अलग से दे सकता है पहली या दूसरी, तो एक रहेगा ज्ञात करके दूसरा पक्षांतर करके बटा कर लेंगे, तो तीन चार मेल का यहां बन सकता है। हाँ, एक और फार्मूला है भिन्नों का मासा। अगर वो भिन्न के रूप में भिन्नों का मासा होता है, अगर मास भिन्न के रूप में वैल्यू दी हुई है सब, तो उसमें कहेंगे अंशों का मासा। लेकिन इस पे प्रश्न नहीं आए हैं कंपटीशन में, ये भी हम आपको बता दें। अंशों का मासा बटे हरों का लासा, लेकिन एक एक सवाल फिर भी हम लगवा देंगे आपको इस पे। भिन्न के रूप में अगर संख्या दी रहेगी सब, तो उनका अगर मासा पूछता है, जो पूछेगा वो ऊपर निकाला जाएगा, ध्यान दें। अब यही भिन्नों का लासा अगर पूछेगा, भिन्नों का लासा अगर पूछता है तो हम कहेंगे अंशों का लासा बटे हरों का लासा। भिन्न वाले में जो भी पूछा जाएगा वो ही ऊपर रहेगा, लासा पूछा जाएगा तो अंशों का लासा ऊपर निकालेंगे, हरों का मासा। यस, जो पूछा भिन्न वाले में मासा पूछा जाएगा तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा हो जाएगा। भिन्नों का लासा पूछेगा तो अंश वाले का लासा जो यहां रहेगा वो अंश में रहेगा, ध्यान देना, बटे हरों का मासा हो जाएगा। तो बस यही इतना फार्मूला है, इसी की सहायता से आज के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। तो विद्यार्थी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने दोस्त यार में हमारे वीडियो को दूर तक पहुंचाएं। हाँ, देखते हैं आज का पहला सवाल। दो संख्याओं का मासा 96 है तथा उनका लासा 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। पहली संख्या दिया हुआ कितना, 864, और दूसरी संख्या x मान लेते हैं, ज्ञात करना है दूसरी संख्या, बराबर मासा गुणे लासा। मासा 96 दिया है, लासा 1296 है। एक्स बराबर 96 गुणे 1296 बटे 864।
दिया है, चार दुने आठ, चार की चार, चार छक चौबीस, चार दुने आठ, चार चौक सोलह, ये हो जाएगा चार छक चौबीस, चार पचे बीस, चार चौक सोलह, छह नौ में चौवन, नौ सी से काटिए, नौ के नौ, नौ चौक छत्तीस, नौ चौक छत्तीस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यस, तो यही आपको कैलकुलेशन करना रहेगा, जल्दी जल्दी काटना रहेगा, जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। फिर दूसरा सवाल पे देते हैं, दूसरा सवाल भी वही है, कह रहा दो संख्याओं का लासा 864 है, उनका मासा 144 है, यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, तो इसका भी सॉल्व कर लिया जाए। मासा गुणे लासा, मासा 144, मासा गुणे लासा 864, 864 बराबर, उनमें से एक संख्या, एक संख्या दिया 288 और दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या को दिमाग में रखेंगे क्या, यक्स, तो ही हमको फाइंड करना है। तो मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो यक्स बराबर हो जाएगा 144 गुणे 864 बटे 288। ध्यान दें, इतना बराबर इतना, तो अज्ञात यही रहने दें, 288 नीचे ले, 144 दूनी 288 और दुई चौक आठ, द्वितीया छह, दूनी चार, 432, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए, सब सवाल लगभग एक ही टाइप के हैं, दो संख्याओं का लासा 1920 है, उनका मासा 16 है, यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या 128 है तो 128 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यक्ष मान लेते हैं, उनका मासा 16 है, लासा 1920 है, तो यक्ष बराबर 16 गुणे 1920, 16 गुणे 1920 अपान 128, सोलह अट्ठे ये हो जाएगा, और ये देखिए आठ दुनी सोलह, आठ चौक बत्तीस, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सोलह गुणे आठ 128 होता है, तो कट जा रहा है, सोलह अट्ठे 128 और आठ से इसको काट दिए, 240 आ गया, तो आपकी जो दूसरी संख्या है वो 240 हो गई। फिर वही सवाल नीचे दिया है, दो संख्याओं का मासा 15 है, लासा उतना दिया, यदि एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। तो एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं यक्ष है, बराबर मासा उड़े लासा, ये 15 है मासा, लासा 300 है, तो यक्ष बराबर 15 गुणे 300 बटे 60, 15 चौका 60 और चार सते 28, चार पचे 20, 75, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, पांचवा सवाल देखा जाए, दो संख्याओं का लासा 1820 है और उनका मासा 26 है, यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या है, तो ये ध्यान दें, एक संख्या 130 है, दूसरी संख्या है मतलब यक्ष मान लेते हैं, और इन संख्याओं का मासा 26 दिया है, लासा 1820 दिया है, 1820 दिया है, तो यक्ष बराबर हो जाएगा 26 गुणे 1820 बटे 130, जीरो हट गया, 13 दूनी 26, 182 दूनी, तो दो दूनी 4, दो अट्ठे 16 6, हासिल 1, दो एक 3, 164, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, एक तो ये हो गया, अब छठवां सवाल पे आइए।
दो संख्याओं का मासा 23 है, उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, उनमें बड़ी संख्या होगी। तो देखिए आपको ये सोचना चाहिए कि कोई दो संख्या रहा होगा उसका मासा, मासा 23, मासा मतलब 23 तो दोनों में उभयनिष्ठ रहे होंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, 23 तो दोनों में उभयनिष्ठ रहा होगा। तो पहली संख्या, अब इसमें कोई जानकारी ही नहीं दिया, उनमें बड़ी संख्या होगी, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, एक 13 दिया है एक 14 दिया है, एक 13 दिया है एक 14, ये जानकारी में है। लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 14 है, तो इन अब मासा कितना है 23 है, तो मासा तो दो उसमें खंड दिए रहे, दोनों में उभयनिष्ठ रहा होगा, मासा दोनों में उभयनिष्ठ रहा होगा, तो ये हो जाएगा 23 गुणे 13, ये हो जाएगा 23 गुणे 14। यस, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा। तो लासा के दो अन्य खंड 13 गुणे 14 मान लेते हैं, तो मासा तो दोनों में सम्मिलित रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का मासा क्या है, इन दोनों का भी दो संख्या, पहली संख्या ये होती दूसरी संख्या ये होती, तो आप मासा क्या लिखते, मासा बराबर लिखते 23। क्यों लिखते, क्योंकि 23 दोनों में उभयनिष्ठ है। यस, अब बताइए बड़ी संख्या क्या होगी, अरे बड़ी संख्या 23 गुणे 13 है, 23 गुणे 14 है, तो जाहिर है बड़ी संख्या 23 गुणे 14 होगी, 23 गुणे 14 होगी, तो 14 3 42 के 2 4 14 2 28 4 32, ये है ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस सवाल पे ध्यान दें, थोड़ा सा एक अलग टाइप में था, दो संख्याओं का मासा दिया था, तो मासा तो जाहिर है कि हर पद में उभयनिष्ठ होता है, उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड दिए थे 13 14, उनके बड़ी संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख लो, अब एक जगह 13 है 14 लिख दो, तो 23 तो दोनों में उभयनिष्ठ रहा होगा, तभी तो मासा 23 आया रहा होगा दो संख्याओं का। यस, दोनों उभयनिष्ठ कर दिए, अगर ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो आप बड़ी संख्या देख सकते हो, जिसमें वैल्यू बड़ा होगा वही आंसर ज्यादा आएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड, सातवां सवाल देखा जाए, कुछ अलग टाइप का सवाल लेकर आए हैं, ये तो विद्यार्थी सामान्य सवाल है, आपको उतना ध्यान देना है, दोनों संख्याओं का मासा गुणे दोनों संख्याओं का लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता, उस फार्मूले पर रख के आपको सवाल लगाना है, उसमें जितना बनता है, और ये थोड़ा सा कुछ कठिन टाइप में है, ये देखिएगा आप, इसमें कैलकुलेशन करना होगा। हाँ, तो दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है, ये क्लियर कीजिए, दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 1740 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है, ये चीज देखिए, मासा तथा लासा का योग 1740 है, यदि पहली संख्या 240 है तो दूसरी संख्या होगी, तो ये आपका क्वेश्चन रहा, तो एक ही सेंटेंस दो बार हो गया था। हाँ, तो ये ध्यान देना है, तो कह रहा लासा मासा का 28 गुना है, तो मासा कम है, तो मान लेते हैं माना मासा बराबर क्या होगा, मासा x होगा, लासा मासा का 28 गुना है, तो ये 28 गुना ज्यादा है, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा 28x हो जाएगा। ध्यान दें, दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है, तो मासा अगर x मान लोगे तो लासा कितना हो जाएगा 28x। चलिए, दोनों संख्याओं के लासा तथा मासा का योग 1740 दिया है, खुद कह रहा है, तो मासा तथा लासा का योग 1740, तो एक्स प्लस 28x बराबर 1740, तो यहां से x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो 28 से 29 हो जाएगा,
29 यक्स बराबर 1740, तो यक्स बराबर 1740 बटे 29। तो ये कोई ना कोई गिनती बार जा रहा होगा, तो देखिए आप अच्छा छह बार छह नवम चौवन हो रहा है, यस छह से देखिए, तो छह से गुणा कर छह नवम चौवन चार हासिल पांच, और छह दूनी बारह पांच सत्रह, ठीक है इतना छक्का 174 होता है और एक शून्य बगल में है ही है, तो x बराबर हमारा 60 आ गया। तो ध्यान दें मासा आपका 60 हो गया, लासा हो गया 28, 28 गुणे 60, चलिए ठीक है अभी बाद में समझ लिया जाएगा। अब चलिए मासा गुणे लासा बराबर फार्मूला रखिए, मासा 60 है लासा है 28 गुणे 60, भैया मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या, पहली संख्या 240 दिया है ये भी ठीक है, दूसरी संख्या पूछा है कुछ मान लेते हैं P मान लेते हैं दूसरी संख्या क्योंकि यक्ष यहां लिख चुके हैं, यस तो अब आपको केवल भाग देना है, तो दूसरी संख्या बराबर 60 गुणे 28 गुणे 60 बटे 240, यस तीसरे कैंसिल हो जाएगा, छह चौके 24, चार सते 28, सात छक 42, 420 आया, यस 420 ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन वाला था, सफाई से देखना था, अच्छा सवाल था, इस टाइप के भी सवाल संभव हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब अगला सवाल लगाने के लिए जाहिर है कि इसे हमें हटाना होगा, तो कॉपी करने के लिए आप वीडियो रोक सकते हैं। हाँ एक टाइप का और सवाल संभव है, 2/9 3/14 7/20 का लासा ज्ञात कीजिए, तो भिन्न का लासा भिन्न का मासा का हम लोग फार्मूला ज्ञात किए हैं, तो अलग से लिख लो चाहे 2, 3, 7 लासा ज्ञात करना है, तो लासा भिन्न का भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा, तो इसका पहले ज्ञात कर लो क्योंकि अंश में यही है, इसका का लासा बराबर कितना हो रहा है, लासा मतलब पहला उतार लो, दूसरे में जितना अतिरिक्त हो उतार लो, तीसरे में जितना अतिरिक्त हो वो उतार लो, सब लासा हो जाए, ऐसे कुछ है ही नहीं जो ना उतारने को हो, सब उतारना ही पड़ेगा, तो 6/7 42, तो द्वितीया 6/7 42, तो ठीक है ये लासा हो गया, और हर का मासा चाहिए, हर का मासा मतलब 9, 14 और 20 का मासा, हर वालों की मासा की जरूरत पड़ेगी, तो मासा के लिए क्या करें 9, 14, 20 का मासा जो कि सब में उभयनिष्ठ हो, तो कोई उभयनिष्ठ नहीं है, 9, 14 और 20 में कोई ऐसा गिनती नहीं है जो उभयनिष्ठ है, कोई नहीं उभयनिष्ठ होता तो एक उभयनिष्ठ होता है, जब कोई साथ नहीं देता तो ये साथ देता है, तो बस खत्म, हरों का वो भिन्नो, फिर मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, भिन्नों का लासा बराबर अंशों, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, अंशों का लासा आपका व्यास 42 और इसका मासा 1, तो 42/1 मतलब 42 ही आएगा। ध्यान दें इस टाइप का कोई सवाल भिन्न वाला अगर दिया है मासा पूछ लेगा, हम नहीं लगवा रहे मासा, तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा हो जाएगा, जो पूछेगा वही ऊपर होगा, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी मासा लासा के मिश्रण पर जितने प्रश्न बन सकते थे हमने उतना आपको बताया, तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।